नेचुरल पिंक टाइप में आएगा, जिससे मैं एकदम आलिया भट्ट की तरह नेचुरल पिंक वाला शेड बना लूँगी और फिर मैं भी लगूंगी और पता नहीं क्या ऑर्डर कर लिया यार, ये क्या हो गया। हेलो फ्रेंड्स, ये मैट माई ग्लैम का जो ऑफर चल रहा है, ये आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सब जगह देखा ही होगा। लिट लिक्विड मैट लिपस्टिक का ये ऑफर है जो कि चल रहा है। इसमें दो लिपस्टिक देते हैं जिसके अंदर हम एक सर्वे होता है जिसके अंदर आपको कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं और ये आपको बताना होता है कि आप किस तरह की लिपस्टिक प्रेफर करते हैं, मैट या ग्लोसी या क्रीमी। और सेकंड क्वेश्चन, आप किस तरह का मेकअप प्रेफर करते हैं और फिर आपकी एज कितनी आप बताना चाहें तो बताइए। और इस तरह से हमें कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हुए हमें एक रुपये के सिक्के में ये दो लिपस्टिक चूज करने के लिए कहते हैं जो कि हमें देते नहीं है। इस पर हमें शिपिंग चार्जेस लगा देते हैं 199 रुपीज़ का। और शिपिंग चार्जेस से बचने के लिए मैंने पॉप एक्सो सेल्फी रेडी टिंटेड सनस्क्रीन ऑर्डर कर दी जो कि मुझे 299 रुपीज़ की पड़ी। और फाइनली मेरी दोनों लिपस्टिक फ्री हो गई क्योंकि मुझे शिपिंग चार्जेस नहीं भरने पड़े। और वैसे भी मुझे सनस्क्रीन चाहिए थी तो ये मेरा जो है कॉरियर मुझे मिल चुका है माई ग्लैम का और इस पर लिखा है कि लिव ग्लैमरस। और ये मैं इसे ओपन करती हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन हैव आवर डेली नोटिफिकेशन। एंड फ्रेंड्स, बी माई परमानेंट सब्सक्राइबर, प्लीज़ डोंट अनसब्सक्राइब। Here's the two lipstick signature by Shraddha Kapoor. It's a tinted signature of Shraddha Kapoor. Two lipstick and selfie ready tinted sunscreen SPF 50. SPF 50 ही मुझे लेनी थी and I sure that this is the best product I have ordered. LM05 Matrimania और ये pink color का shade होता है and guys मुझे ये shade बहुत ज़्यादा much needed था और I love this shade. और खैर सेकेंड वन बहुत ही एक्सपेरिमेंटल मंगाई है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड यार। इट्स LM39, इट्स कॉम्प्लिकेटेड शेड और पता नहीं यार ये मैंने क्या कर डाला। अभी तो इसे हम ट्राई करेंगे और मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि इन दोनों कैसी लगती हैं। खैर इस सेकेंड वाले को ऑर्डर करके मुझे लग रहा है कि कुछ लोचा ही कर दिया यार जल्दबाजी में। और अभी आ गई है हमारी सेल्फी रेडी टिंटेड सनस्क्रीन जो कि SPF 50 है, PA++, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन, वाटर रेजिस्टेंस, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, अल्कोहल फ्री। इट्स आल्सो गिव अ इवन टोन स्किन टोन टू योर मेकअप लुक। इट्स जस्ट लाइक मेकअप लुक विद नो मेकअप एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत लाइट वेट है। अभी मैं ये थोड़ी सी हाथ में निकाल रही हूँ एंड इट्स स्मेल रियली नाइस, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से। पॉप एक्सो के साथ जो है माई ग्लैम ने कोलैबोरेशन में 6 और सनस्क्रीन के प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए हैं या फिर आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए हैं। मुझे टिंटेड सनस्क्रीन ही चाहिए थी और मुझे ये काफ़ी पसंद आई तो मैंने इसे ऑर्डर किया और ये काफ़ी लाइट वेट है और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है और ये आपके मेकअप को एक नेचुरल लुक देती है। आप इसे डेली यूज में यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन तो अप्लाई हो गई, अब हम लिपस्टिक का ट्रायल करते हैं। माई ग्लैम लिट लिक्विड मैट लिपस्टिक और ये है इट्स कॉम्प्लिकेटेड शेड और मुझे सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये क्या ऑर्डर कर दिया। ये तो मैंने सोचा था कुछ नेचुरल पिंक टाइप में आएगा जिससे मैं एकदम आलिया भट्ट की तरह नेचुरल पिंक वाला शेड बना लूँगी और फिर मैं भी लगूँगी और पता नहीं क्या ऑर्डर कर लिया यार, ये क्या हो गया। कभी कभी फ्री हड़पने के चक्कर में गलती से कुछ कलर शेड भी ऑर्डर हो जाते हैं। लगा के दिखाई देती हूँ और मैंने सोचा है कि मैं चीक्स पर ट्राई कर लेती हूँ। काफी गड़बड़ हो गई, ऐसा लग रहा है कोई पेंट लगा लिया है, कोई इनेमल पेंट लगा लिया है मैंने। अमेजिंग यार, चीक्स पर लगा लेती हूँ, थोड़ा ऐसा लगेगा कि सर्दी की वजह से थोड़े सेब की तरह लाल हो गए हैं, थोड़े पिंक हो गए हैं। फिर आपको दिख रहा होगा काफ़ी इफेक्टिव है यार, मैं इसे एज ए ब्लश यूज करूँगी। खैर ये तो गड़बड़ हो गया यार, इट्स कॉम्प्लिकेटेड शेड, शायद आपके स्किन टोन पे अच्छा लगे, मेरे स्किन टोन पे अच्छा नहीं लग रहा है। और हेयर कम्स माय गार्नियर मेकअप रिमूवर, ये भी मैंने कभी मायका से मंगाया था यार, अब इसे उतारना पड़ेगा। और कॉम्प्लिकेटेड शेड ने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है और अब ये उतारने का नाम नहीं ले रहा है, मेकअप रिमूवर से भी नहीं उतर रहा है, अब ये क्या हो गया यार। खैर काफ़ी मुशक्कत के बाद उतर जाने की उम्मीद है मुझे।
ओह नो उतर ही नहीं रहा यार, अच्छा उतर गया, फाइनली उतर गया, मैंने सक्सेसफुली इसे रिमूव कर लिया है। मैं अब इस कॉम्प्लिकेटेड शेड के लिए मुझे कोई हैक देखना पड़ेगा कि इसको कैसे मुझे अदर वे से लगाना चाहिए। खैर मैं आपको किसी अदर वीडियो में बताऊंगी, अभी फिलहाल हम अपनी अगली लिपस्टिक का रिव्यू करते हैं जो कि है मैट्रीमेनिया। और मैट्रीमेनिया लॉन्ग लास्टिंग स्मज प्रूफ ट्रांसफर प्रूफ विद इंस्टेंट कलर पे ऑफ सुपर मैट फिनिश एंड रिच विद न्यूट्रिशिंग मोरिंगा ऑयल, दिस इज लिक्विड लिपस्टिक दैट्स वर्क हार्डर हार्डर देन यू डू गाइज। ये वाला जो मैट्रीमेनिया जो है शेड मेरी स्किन टोन पे काफ़ी अच्छा लगता है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और आई होप आपको मेरी चपर चपर बहुत पसंद आई होगी मेकअप के टिप के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और मैट लिपस्टिक जो कि माई ग्लैम की है यारो, फ्री की लिपस्टिक कभी नहीं छोड़नी चाहिए, जरूर मंगाना इसे घर पे। ऐसा मेरे खुदा क्यों है ओ ओ ओ, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है।